आयोटा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, डिवाइड करने के लिए कहा गया है। तो डिवाइड करने के लिए मुझे 3 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, टोटल 3 में। तो पहला में बोला कि 16√6/4√2, दूसरा है हमारा 12√15/4√3, एंड तीसरा है हमारा 18√21/6√7। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं तीनों को सॉल्व कर दे रहा हूँ आपको। तो देखो, सबसे पहले मैं पहला का सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये है हमारा 16, तो 16 लिख दिया, रूट 6 है तो रूट 6 रहने दिया, अपॉन ये क्या है हमारा 4, तो 4 को 4 रहने दिया, और रूट 2 है तो रूट 2 कर दिया। तो इसको फर्दर अगर और सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो इसको क्या हो जाएगा हमारा, 16 को भी 16 रहने दो, ठीक है ना, 16 को बाय सॉरी रूट 6 को अपन लिख सकते हैं इस तरह से तोड़ करके कि √2 × √3। तो मालूम है कि √2 × √3 √6 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 4 तो 4 रहने दिया, और ये हो गया हमारा √2। तो देखो 4 × 4 = 16, और ये √2 से √2 कैंसिल, तो आंसर हमारा कितना आ गया डियर स्टूडेंट, ये आ गया 4√3। तो यही हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब देखो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, हमें बोल रहा है डियर स्टूडेंट कि 12√15, ठीक है, बाय का मतलब हो गया डिवाइड, डिवाइड का साइन दे दो, और 4√3 है, तो ये लिख दिया 4√3। सेम काम ये जैसे यहाँ क्या था, बिल्कुल वहाँ यहाँ भी करेंगे। तो देखो 12 को अभी 12 रहने दे रहा हूँ, और रूट 15 को अगर अपन लिख सकते हैं कि 5 × √3, तो √5 × √3 = √15, अपॉन ये हो गया हमारा 4√3। तो ये √3 से √3 कैंसिल, 4 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 4 × 3 = 12, तो आंसर जो है हमारा डिस्टेंट ये आ गया कि 3√5। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देन जो तीसरा है डियर स्टूडेंट, वो थर्ड वाला मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ आपको। तीसरा में बोल रहा है कि 18√21 है, और बाय का मतलब हो गया अपॉन, और 6√7। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कर रहे थे। तो ये हो गया हमारा 18 को 18 रहने दो, √21 को अपन ले सकते हैं स्टूडेंट कि √7 × √3, 7 × 21 है ना, अपॉन ये हो गया हमारा क्या, 6√7। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रही बात है। चलिए अब देखो 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, और ये √7 से √7 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 3√3। यही इसका आंसर हो गया डियर स्टूडेंट। तो यही मुझे निकालने के लिए कह रहा था तीसरे नंबर पे, तो ये निकल गया। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो है आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो डिवाइड वाला। तो अब जो है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।